किसी ने कहा है, किसी भी काम को एक मिनट देरी से करने से बेहतर है कि उस काम को समय से 3 घंटे पहले कर लिया जाए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वो भी सर्दी स्पेशल आलू मटर की सब्जी के साथ और बथुआ के पराठे के साथ। तो अभी सुबह के 5 बजे हैं, तो नाश्ते में मैं बथुआ के पराठे बना रही हूँ। सर्दियों की एक खास बात होती है कि सर्दियों में पराठे अधिकतर सभी घरों में बनते रहते हैं, कभी बथुआ, कभी मेथी, कभी आलू और कभी गोभी और कभी मूली के बनते ही रहते हैं। तो आज बच्चों की छुट्टी है, मुझे करनी है तेल की मालिश, वो भी सरसों के तेल की। हमें हफ्ते में एक बार सरसों के तेल की मालिश जरूर करनी चाहिए। इससे हमारे बालों को पोषण मिलता है और हमारे सर का ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है और हमारी हेयर ग्रोथ भी अच्छी रहती है। हेयर मसाज के लिए सबसे बेस्ट ऑयल नारियल ऑयल और सरसों का ऑयल है, जो हमारी दादी नानी ने हमेशा ही सजेस्ट किया है, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड होता है। सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में तेल लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि तेल ठंडा होता है। तो जब भी तेल की सर में मालिश करे तो तेल को हल्का गुनगुना गरम कर ले, फिर सर की मालिश करें। तो सर की मालिश हो चुकी थी, तो अब लग जाते हैं अपने क्लीनिंग के काम पर। नाश्ता सभी ने कर लिया था, तो मशीन में धोने के लिए कपड़े डाले थे, जो कुछ तो धुल चुके थे और कुछ रह गए थे। इनको निकाल कर फिर कुछ कपड़े डाल दूंगी। फिर कपड़े अपने आप धुलते रहेंगे तो मैं और काम देख लूंगी। तो मुझे करने हैं आज घर के जाले की सफाई। घर में जाले तो नहीं है, फिर भी घर की दीवारों के कोनों में ब्लैक ब्लैक से कुछ दिखाई देने लग जाते हैं, जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मैं हफ्ते में एक बार इससे दीवारों के कोनों में चला देती हूँ। ये टूल्स बहुत बेस्ट है, इसे 4 साल हो गए हैं और यह अभी तक चल रहा है। इसकी एक खास बात यह है कि इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ना तो स्टूल की जरूरत पड़ेगी और ना ही उचकने की। इस टूल्स की वजह से घर में एक भी जाले नहीं दिखते, यह तो सभी के घरों में जरूर होना चाहिए। इस टूल से दीवारों की डस्ट को भी आसानी से हटा सकते हैं। तो अब फटाफट झाड़ू लगा लेते हैं। बाहर इतनी सर्दी हो रही है पर मुझे नहीं लग रही, क्योंकि जब काम करते रहते हैं तो सर्दी नहीं लगती, और अगर दिन में रजाई लेकर बैठ गए तो फिर निकलने का मन नहीं होता। मैं तो कभी दिन में रजाई के अंदर नहीं बैठती, क्योंकि रजाई में निकलने के बाद तापमान चेंज हो जाता है, यानी बाहर सर्दी वाला तापमान होता है और अंदर गर्म वाला, तो इसलिए मैं नहीं बैठती, क्योंकि बार बार बाहर जो निकलना पड़ता है, कभी कुछ काम करना होता है, कभी किचन में जाना होता है। तो फिर आ गई थी मैं बालकनी की क्लीनिंग करने, क्योंकि बालकनी की ग्रिल को कबूतरों ने गंदा कर रखा था। ये तो रोज ही करते हैं, पर इनका भी क्या दोष, जब पेड़ ही कम रह गए हैं तो ये अपना बसेरा बालकनी में ही डालते हैं।
तो फटाफट स्पीड के साथ हम इस बालकनी को भी साफ कर देते हैं। पहले मैं इस पर झाड़ू लगा देती हूँ, वो भी कपड़े से। मैंने अब इसे क्लीन कर लिया है। घर तो हमें रोज ही क्लीन करना होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, पर मन को जो सेटिस्फेक्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो लगते हाथों इन प्लास्टिक की दोनों रैक को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी दिनों से बालकनी में ही रखी हुई थी, जिसके कारण इन पर धूल जमी हुई है। तो फिलहाल इनका कोई यूज नहीं है, तो मैंने ऐसे ही बालकनी में रख दी थी। ये रैक की कहानी भी बहुत पुरानी है। ये रैक मैंने किचन के लिए ही मंगाई थी, जब मेरी किचन में वुडन रैक नहीं थी, तो मैंने इन्हें मंगाया था ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो अब इनका मुझे कुछ यूज नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने ये बालकनी में डाल दी। तो वैसे तो मैं इन्हें यूज में ही लूँगी, पर मैंने फिलहाल ये अभी बालकनी में ही रखी है। मैं वैसे कुछ भी यूं ही नहीं खरीदती, अब इन रैक का कुछ ना कुछ तो करूंगी, कहां ऑर्गेनाइज करूंगी ये सोचना पड़ेगा। तो फिलहाल इन्हें वॉश कर लेते हैं। बालकनी को भी साथ के साथ वॉश कर लेते हैं। हमने किताबों में पढ़ा है कि अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए, हमें दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मैं तो हाउस हेल्पर के बिना ही अपना काम स्वयं कर लेती हूँ, मुझे नहीं जरूरत होती। और छोटे घरों में तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर आ गई थी मैं किचन में। किचन की क्लीनिंग के बाद बर्तन नाश्ते के बाद ही कर लिए थे, तो अब रह गई है सिर्फ सिंक। तो सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। सुबह का टाइम बस ऐसे ही गुजरता है, काम करते करते मैं जब एक बार लग जाती हूँ तो निपटा कर ही सांस लेती हूँ, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर काम में थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो मन पर ऐसा लगता है कि जैसे बोझ रखा हो, और जब काम हो जाता है तो एक चैन की सांस लेती हूँ। माइंड में एक टाइम सेट कर चलती हूँ कि मुझे घर के कामों को कितने टाइम में फिनिश करना है, और उतने टाइम में फिनिश भी हो जाता है, क्योंकि ये दर्शाता है हमारे काम करने का एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जो हमें करते करते आ जाती है। ये जो मैं क्लीन कर रही हूँ, ये है बर्तन बास्केट की ट्रे, जिसको भी डेली ही क्लीन करना होता है। तो मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए हैं और कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं। अब मेरा लास्ट वाला काम बचा है, वो है पोंछा लगाना, जो मैं गर्म पानी से लगाऊंगी। गर्म पानी इसलिए क्योंकि सर्दियों में गर्म पानी से पोंछा लगाना चाहिए, इसलिए नहीं कि सर्दी लगेगी। ठंडे पानी में तो हम वैसे भी काम करते हैं, बल्कि इसलिए कि सर्दियों में हमारे घरों के फ्लोर पर नमी आ जाती है, जिससे पोंछा सूखने का नाम ही नहीं लेता और बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं, एक अलग सी स्मेल आने लगती है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि गर्म पानी से फ्लोर आसानी से सूख जाता है और नमी भी नहीं रहती, और एक अलग ही चमक होती है। इस तरह से मैं घर के डेली के काम कर लेती हूँ, वो भी बिना मेड के। आपको कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। फिर मिलूंगी।